दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। सामने जो मोबाइल आप देख रहे हैं ये मोबाइल है MI का और इसका मॉडल नंबर है MI A1, ठीक है। और ये मोबाइल का जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है, उन्होंने जो है इसे बिना किसी बॉक्स के इसका जो है गूगल अकाउंट अनलॉक कर दिया है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर में जो है MI अकाउंट लगा हुआ नहीं था, इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ था, ठीक है। तो गूगल अकाउंट लॉक को जो है मेरे सब्सक्राइबर ने जो है बिना किसी बॉक्स के अनलॉक कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ मैं बताऊंगा अनलॉक करने के बारे में और कुछ जो है मेरे सब्सक्राइबर आपको बताएंगे अनलॉक करने के बारे में इस मोबाइल को, इसका गूगल अकाउंट कैसे अनलॉक करना है। तो वीडियो के साथ आप बने रहें और आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों MI A1 मॉडल को जो है उसका गूगल अकाउंट अनलॉक करने के लिए आपको जो है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको टाइप करना है MI Cloud Account Pangu, ठीक है। आप यहाँ पर देख लें, थोड़ा आपको मैं दिखा दूँ, आप यहाँ ध्यान से देख लें MI Cloud Account Pangu, इतनी सी आपको टाइप करना है सिर्फ, उसके बाद आपको एंटर मारना है, ठीक है। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं How to bypass MI Cloud Verification Xiaomi Redmi MI Pangu.in, ठीक है। तो आपको इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप, चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं वहाँ पे कि आपको आगे वहाँ पे आपको कैसे फाइल आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे Xiaomi का जो वेबसाइट है Xiaomi का, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं और इनमें से जितनी भी मॉडल यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है, इन सभी मॉडल का जो है आप जो है बाईपास कर सकते हैं गूगल अकाउंट, MI अकाउंट नहीं, सिर्फ गूगल अकाउंट, ठीक है। तो गूगल अकाउंट को आप बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी बॉक्स के, ठीक है। इसके लिए आपको ये जो है जो भी मॉडल आपको करना है उसका फाइल आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पे MI A1 मॉडल को अनलॉक किया है गूगल अकाउंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है टूल और FRP फाइल, उसके बाद तो जो है यहाँ पे आप जो MI सेटअप देख रहे हैं, तो आपको इसमें से MI सेटअप और FRP फाइल ये दोनों को डाउनलोड करना है। और इन दोनों से अगर डाउनलोड नहीं होता है, अनलॉक नहीं होता है, तो आप जो है टूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सेटअप पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर देखते डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया और जो यहाँ पे जो है फाइल सेव करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पहला फाइल जो है सेटअप फाइल जो हमने इसे डाउनलोड कर लिया। उसके बाद दूसरी फाइल को भी हमें डाउनलोड करना होगा जो FRP फाइल है, तो उस फाइल को भी हमें डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ देखिए हमें बैक करना है, बैक करने के बाद वापस हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप जो FRP देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, MI A1 FRP, इस फाइल को भी हमें डाउनलोड करना होगा। तो हमने इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर ली है अपने कंप्यूटर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये जो सेटअप वाला फाइल है इसे हमें जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो इस सेटअप पर जो है हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके हमें इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे उसके बाद जो है ये सेटअप जो हमारे सिस्टम में जो है इंस्टॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, ये सेटअप जो है ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये सेटअप इंस्टॉल होगा कंप्यूटर में, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो है टूल जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। उसके बाद आपको मोबाइल को जो है फास्ट बूट मोड में जो है मोबाइल को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर से, और जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका मोबाइल जो है कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से भी आप कनेक्ट पर क्लिक करके जो है अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आपको कनेक्टेड यहाँ पर दिखाई देगा आपका मोबाइल, उसके बाद आप जो है इस सेटअप को जो है आप यहाँ पर जो है क्लोज नहीं करेंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोज करने का ऑप्शन और मिनिमाइज करने का ऑप्शन है, आपको सिर्फ मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। ये आपके सिस्टम में खुला रहना चाहिए ये टूल, ठीक है, और आपका मोबाइल जो फास्ट बूट मोड में कनेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आप यहां पर देख रहे हैं FRP टूल जो है, ये FRP फाइल जो है इसे आपको जो है एक्सट्रैक्ट करना है। और जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे सेम नाम का फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा, और उसके बाद इस फोल्डर पे आपको जो है राइट क्लिक करना है। और जैसे आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको ओपन कर लेना है सिंपली। और जैसे आप ओपन करेंगे इसके अंदर में फिर एक फोल्डर है और इसे भी आपको ओपन करना है। और सबसे नीचे में आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है MI A1 FRP फाइल, ठीक है, इसे आपको राइट क्लिक करके इसे आपको अपने सिस्टम में ओपन करना है, ठीक है। और जैसे आप अपने सिस्टम में इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक आइकन खुलेगा, उसके बाद आपका जो है कुछ ही सेकंड के अंदर में आपका मोबाइल का जो है जो गूगल अकाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप आगे देख लें, मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे दिखा रहा है और आप इस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ले जाने के लिए फोन को आपको वॉल्यूम सॉरी माइनस और पावर की दोनों एक साथ प्रेस करने पे फास्ट बूट मोड आ जाएगा। तो फास्ट बूट मोड जैसे ही आ जाएगा आपको इसमें क्या है, ये डाटा केबल को प्लग इन कर देना है। प्लग इन हो गया MI A1 FRP, इसको बस एक बार
क्लिक करना है। अब क्लिक होते ही ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए ये हो गया। ये F इससे क्या होता है, ये जैसे ही क्लिक किया मैंने, और ये देखिए आप एक बार क्लिक करने के बाद में यहाँ लिख के अलग से आ रहा है कि यूज़र वेब, ये मेरा नाम है, FRP अनलॉक MI अकाउंट, FRP फास्ट फूड मोड में। और ये देखिए फ़ोन ऑटोमेटिक खुल रहा है, ऑटोमेटिक खुल जाएगा ये फ़ोन आपके सामने है। भले ही आप इसको प्लग इन से निकाल सकते हैं, आप देखिए ये FRP डन हो चुकी है, ऑटोमेटिक ही डन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।